हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माइस्टर मोटिवेशन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मोटिवेशनल वीडियो या हिस्टोरिकल वीडियोस कैसे क्रिएट की जाती हैं, जिसके बैकएंड के अंदर वॉइस प्ले हो रही होती है और जो उनसे सामने इमेजेस आ रही होती हैं, जिसके अंदर मोटिवेशनल कोट्स होते हैं या मोटिवेशनल जो उनसी पिक्चर्स उन्होंने लगाई होती हैं, और इस तरह की वीडियो कैसे एडिट की जाती है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आप चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको अभी तक वीडियो एडिटिंग का नहीं पता कि मोटिवेशनल वीडियो और या फिर जो उनसी इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस शूट कैसे की जाती हैं और इसको एडिट कैसे किया जाता है, तो सिंपल, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस एडिट करना चाहते हो या फाइवर के ऊपर ये स्किल सेल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, एंड टू एंड वॉच कर सकते हो। यहां पर आपको हर तरह का नॉलेज मिलने वाला है रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग के हिस्टोरिकल और मोटिवेशनल वीडियो कैसे एडिट की जाती है। आप इसको बाद में अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी यूज कर सकते हो और आप जो है अपने क्लाइंट्स के लिए भी वर्किंग कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड टू एंड वॉच करना है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकेंगे आपके अपने लैपटॉप मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद है लाइक शेयर लाजमी कर देना, बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सबसे पहला हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हमें हिस्टोरिकल के लिए रिलेटेड इमेजेस चाहिए जो कि हमने यूज़ करनी होती है। अक्सर हमें वो नहीं मिल पाती, लेकिन हमें जो सी वो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी इमेजेस हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम फ्री के अंदर इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हमारे पास जो पिक्सा पे एक वेबसाइट है जिसको आप सर्च कर सकते हो गूगल के अंदर, 4K रेजोल्यूशन के अंदर इमेजेस प्लस वीडियोस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने मोटिवेशनल या हिस्टोरिकल जिस तरह की आपकी वीडियो है उसके रिलेटेड आपने इमेजेस डाउनलोड करनी है। जैसे कि यहां पर मैं सिंपल हिस्टोरिकल लिख देता हूं ताकि हमें हिस्टोरिकल के रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब ये देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल्स के अंदर अक्सर जो है डार्क इमेजेस यूज़ की जाती हैं, कुछ इस तरह की होगी इमेजेस। मैं इसको वन बाय वन यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल हिस्टोरिकल के अंदर जो है इस तरह की इमेजेस को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर बिल्डिंग वगैरह को शो करना है तब भी हमें यहाँ पर इमेजेस मिल रही हैं। अगर हमने कुछ और चीज़ शो करवानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें जो है वो शो करवाना पड़ेंगी। और इसके बाद सिंपल एज इट इज़ आप यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करो वन बाय वन। अगर नहीं यहाँ पर मिल रही, एक और वेबसाइट है जिसका नाम है अनसप्लैश, और यहाँ से भी यहाँ पर जो है सिंपल वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह की यहां पर मैं मोटिवेशनल लिख देता हूं ताकि यहां पर साथ मोटिवेशनल की भी जो सी वो इमेजेस आ जाए। तो सिंपल यहां पर मोटिवेशनल के अंदर यहां पर ये यह देख सकते हो गो अप एंड नेवर स्टॉप, सिंपल इस तरह की या फिर इस तरह की इमेजेस को हम डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हिस्टोरिकल्स होनी चाहिए या फिर मोटिवेशनल होनी चाहिए। जिस तरह की आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो उस तरह की सिंपल आपने यहां से इमेजेस को डाउनलोड कर लेना। इस तरह की कुछ जो सी वो डार्क इमेजेस काफी ज्यादा यूज होती हैं वीडियोस के अंदर। तो सिंपल ये चीजें मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ये चीज भी आ चुकी है जी। अब सिंपल मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, जल्दी से फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो और सिंपल आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और सिंपल यहां पर टैक्सेस का कह रहा है, सिंपल वेरीफाई करें और यहां से सिंपल इमेज को डाउनलोड कर ले। अब ये वाली इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल एज इट इज हमने ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहां पर सिंपल आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करो और यहां पर स्टेटस का कह रहा है, सिंपल स्टेटस को यहां पर सिंपल वेरीफाई करो, ओके करो, डाउनलोड करने की कोशिश कर लो। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये वाली इमेजेस थी तो सिंपल मैं इसको भी डाउनलोड फ्री के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और सिंपल इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ये भी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल ये देख सकते हैं ये वाली इमेजेस जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। सिंपल अगर आपको वीडियो चाहिए इसके रिलेटेड मोटिवेशनल के रिलेटेड तो आपको एक और वेबसाइट है जिसका नाम है पैक्सल्स, पिक्सा बेस से भी आप कर सकते हो, पैक्सल से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, मोटिवेशनल लिख लेता हूँ और साथ जो से हम कर लेते हैं जी मोटिवेशनल के रिलेटेड हमें वीडियोस चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर मैं वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिंपल मेरे सामने वीडियोस आ जाएंगी जो कि मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगी। पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हॉरिजेंटल साइज के अंदर ले आते हैं, वर्टिकल हमें नहीं चाहिए। ऑल ओरिएंटेशंस के अंदर आएँ, हॉरिजेंटल्स के ऊपर क्लिक कर दें। अब सारी इमेजेस सारी वीडियोज़ वो आएंगी जो कि हॉरिजेंटल्स होंगी। अब ये देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल है। सिंपल इस तरह की वीडियोस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, जिस तरह की आपको वीडियोस चाहिए सिंपल आप उसको डाउनलोड करो। यहाँ से सिंपल ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ इजीली। सिंपल मेरी इमेजेस और प्लस वीडियोस डाउनलोड हो चुकी हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि फिल्मोरा को ओपन करें, अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनको ड्रैग ड्रॉप आपने यहाँ से कर लेना है। यहाँ पर भी आपने डाउनलोड सिंपल किया हुआ है, मेरे पास 4 इमेजेस थी, मैं उनको ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस मेरे पास 2 से 3 वीडियोस थी, मैं उनको यहाँ पर ड्रैग
ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें बार बार उसको ड्रैग ड्रॉप ना करना पड़े। तो यहाँ पर सिंपल ले आते हैं जी, और ये वाली मेरी वीडियोज़ जो सी हैं वो यहाँ से मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास वीडियोज़ आ चुकी हैं जी सिंपल। अब आप चेक कर सकते हो कि तीन मेरे पास वीडियोज़ हैं, तो तीनों वीडियोस को मैंने यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लिया है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि अब इसको एडिट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी काम है। आपने सबसे पहले तो अपनी वॉइस जो आपने रिकॉर्ड की है मोटिवेशनल के लिए, उसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। मतलब कि मैं आपको यहाँ पर इमेजिन कर लें कि ये मेरे पास एक वॉइस है, यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से कोई भी फाइल को हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, ये वाली एक फ़ाइल है मेरे पास। सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ कि ऑडियो क्लिप्स के अंदर ले आता हूँ। अब ऑडियो क्लिप के अंदर मैं ले आया हूँ ये वाली जो फाइल है, यही आपने इमेजिन करना है कि ये मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है जिसके अंदर मैंने मोटिवेशनल बोला हुआ है या हिस्टोरिकल किसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और ये वाली चीज़ आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इसके वन बाय वन अपनी वीडियो को प्ले करते जाना है और चेक करते जाना है साथ ही साथ कि कहाँ पर कौन सी आपकी इमेज एडजस्ट होनी चाहिए। अब सबसे पहले कि ये वाली इमेज अगर मेरी एडजस्ट होनी चाहिए, तो सिंपल मैं इस इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि इस इमेज को यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं दो से तीन काम कर लेता हूँ। वो क्या करने हैं कि जस्ट इनका साइज़ के अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ट्रांजिशन, ताकि और भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो सी इसके अंदर बैकग्राउंड आना चाहिए और इफ़ेक्ट्स आने चाहिए। सिंपल यहाँ पर मैं और जो सा ट्रांजिशंस को ऐड कर देता हूँ। अब मैं सिंपल इस वीडियो को प्ले करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ट्रांजिशंस आ रही हैं, और ये देख सकते हैं ट्रांजिशंस प्ले होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह वन बाय वन अपने इमेजेस को यूज़ करते जाना है, जितनी आपके पास इमेजेस हैं उनको यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर वीडियो यूज़ होनी है, वहाँ पर वीडियो को यूज़ करें, और जहाँ पर इमेजेस यूज़ होनी है वहाँ पर इमेज को यूज़ करें। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होगी, लेकिन आपने अपनी वीडियो के देखना है कि वीडियो के अंदर आप कहाँ पर क्या बोल रहे हो, और इस हिसाब से आपने वो वाली वीडियो जो है वो ऐड करनी है, या फिर आप वो वाली इमेजेस को यूज़ करो। अब ये देख सकते हैं ये वीडियो मैंने प्ले कर दी है। अभी ये वाला फुटबॉल रोटेट करा है, इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है। और उसके बाद दूसरे नंबर मैंने एक और वीडियो जो है वो ड्रैग ड्रॉप की थी, यहाँ पर मैं आपको कौन सी थी, तो सिंपल ये वाली थी वीडियो। सिंपल मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं बॉक्सर हैं, तो इसके लिए मतलब कि आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि मेहनत करो, कोशिश करो, और उसके अंदर आप जो इस तरह की वीडियोस को यूज़ करो। और इसी तरह जो सिंपल मैंने इमेजेस को यूज़ किया हुआ है, प्लस आप जो सी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इस तरह मोटिवेशनल वीडियो जो सी वो क्रिएट की जाती है, कोई इसके पीछे अलजबरा नहीं है। जस्ट अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, उसको ऐड करो यहाँ पर, उसके ऊपर जो सी वो अपनी इमेजेस लगाओ, उसके ऊपर ट्रांजिशंस लगाओ, और ज़बरदस्त इफेक्ट आ जाता है, प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट हो जाती है। सिंपल उसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट क्या मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करो, उस वीडियो को रेंडर कर लो, सेव कर लो अपनी गैलरी के अंदर, उसको वो जहाँ पर अपलोड करना है अपलोड करो, और उसके बाद अर्निंग करो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखना अपना, रखिए ख्याल। अल्लाह।